दोस्तों, मैंने पंडा मामा को फोन किया था और स्पेशली मैंने माता कामाख्या के मंदिर से मैंने कुछ मांगा है पंडा मामा से, जो हर एक के नसीब में नहीं होता है। तो देखिए, हमारे नसीब में क्या है, क्या वो हमें मिलता है, तो आप पूरे ब्लॉग देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या मांगा था और मुझे मिला कि नहीं। हाय दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, अनुपंजू ब्लॉग्स पे आपका स्वागत है दोस्तों। और गुड मॉर्निंग सभी को, आई होप कि सभी अच्छे होंगे आप लोग। और सुबह सुबह देखिए, अभी सुबह का टाइम है, ठंड भी है। देखिए, मैंने चादर उड़ के रखा हुआ है और देखिए मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। मैं नाश्ता बनाऊंगी, देखिए। हाय, तो कैसे? ठंड का टाइम है अभी, सब्जी काट दे रहा हूँ, अभी थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ फैमिली को। ऐसे ही बैठा हूँ तो क्या करूँ, इसलिए फैमिली को थोड़ा हेल्प करके दे रहा हूँ, सब्जी काट दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड सब्जी काट रहा है, देखिए। अच्छी तरह से सब्जी वगैरह काट लेते पड़ेगा ना। जो मेरी बहन है जिनके हस्बैंड सब्जी काट के देते हैं, हेल्प करते हो, कमेंट करके बताना। और जो भाई हो अपने घर में वाइफ की हेल्प करते हो, वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। देखिए, गाजर भी काटेंगे मेरे हस्बैंड, सेम काट लिया है, गाजर भी काटेंगे और पत्ता गोभी। ये सबसे मैं एक भुजिया बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी अभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पनिशमेंट का दौर चल रहा है दोस्तों, ये यूँ बोलेंगे कि एक्सरसाइज चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए, हमने ये ब्लैंकेट धोया था, तो देखिए मैं आ रही थी दौड़ कर, मेरे हस्बैंड ने उठा लिया। ब्लैंकेट हमने धोया था हम दोनों ने मिलके। देखिए, चलिए नीचे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड कपड़ा उठा रहे हैं। देखिए, मैंने बोला कि मैं उठाऊँ, आपका कैमरा पकड़िए, तो बोलते हैं कि नहीं तुम करो, मैं उठा रहा हूँ। देखिए, एक दो मैं भी उठा लेती हूँ। इंसान बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है मुझे। देखिए इस बंदे को, मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तुम। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे अभी शाम हो चुकी है एकदम, और आज 3 फरवरी है। सांझ हो चुका है तो सांझ का पूजा भी करना है, देखो क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, मेरे हस्बैंड को यहाँ पे चाय बना रहे हैं, आज शाम की चाय मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, बहुत दिन बाद बना रहे हैं मेरे हस्बैंड चाय। तो देखिए, चलिए अपना शुगर फ्री डालेंगे अपने ग्लास में। डालिए डालिए, देखिए शुगर फ्री डाल रहे हैं अपने कप में। देखिए, बहुत दिन बाद में खुद चाय बना रहे हैं, तो चलिए। दोस्तों, ठंड इतनी लगी है ना कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हम चाय पी लें अभी। दोस्तों, हम चाय के साथ में क्या लेंगे, मूढ़ी के साथ में हम ये भुजिया। अरे हो जाए तो, और मैं इसे अभी क्या करूँगी इसके साथ में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग की शाम की चाय है, ये एक्स्ट्रा चाय है, इतना ज़्यादा बन गया है, तो अभी कोई इसे ले लेगा। इसमें चीनी है या नहीं है? चीनी है। तो ये बिस्किट रहा, डाइजेस्टिव बिस्किट है यहाँ पे, और सभी हम लोग चाय ले। और देखिए दोस्तों, मैंने जो बोला था ना मूढ़ी, ये देखिए मूढ़ी, मैंने इसमें अचार का तेल मिलाया है, थोड़ा सा भुजिया मिलाया है, और मैं देखिए ये चाय के साथ में ना क्या टेस्टी मज़ेदार करके मैं खाऊंगी, हम सभी खाएंगे। दोस्तों, आप लोग चाय किस चम्मच से पी कभी उठाते हैं खाते हैं? मेरे बेटा किस चम्मच से ले क्या करते हैं, देखिए चाय फेंक दिया, देखिए कांटा चम्मच से चाय में जो बिस्किट उठाता है और चाय पीता है, कांटा चम्मच से फेंक दिया, फेंक दिया। कि दोस्तों, ये चाय और मूरी कैसे खाते हैं, देखिए ये रही एक चम्मच मूरी, साथ में चाय। हम लोग सभी खा रहे हैं दोस्तों, ऐसा करके देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है चाय के साथ में, ऐसे आप लोग भी खाइए। देखिए मेरा दोस्तों, देखिए मेरे हस्बैंड लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, बेटा को देखिए सभी रेडी हो रहा है, और मुझे देखिएगा मैं किस रूप में, देखिए मुझे मैं किस रूप में हूँ, मैंने अपने बेटे के जैकेट का टोपी खोल करके मैंने लगा लिया है, देखिए। और हाँ दोस्तों, मैं कल जाऊँगी माता कामाख्या के मंदिर में दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे कल मोदी सर भी आ रहे हैं और हम भी दर्शन करने के लिए जाएंगे माता कामाख्या के मंदिर में। तो दोस्तों, मैंने पंडा मामा को फ़ोन किया था और स्पेशली मैंने माता कामाख्या के मंदिर से मैंने कुछ मांगा है पंडा मामा से, जो हर एक के नसीब में नहीं होता है। तो देखिए, हमारे नसीब में क्या है, क्या वो हमें मिलता है, तो आप पूरे ब्लॉग देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या मांगा था और मुझे मिला कि नहीं। तो दोस्तों, वहाँ पर भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी दोस्तों, कल का ब्लॉग मेरा माँ कामाख्या मंदिर में जाने का होगा दोस्तों, और वहाँ से आने का होगा, तो आप लोग वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हमने चाय वाय पी लिया, थोड़ी मस्ती मजाक हो गई हमारी, और अभी मैं जाऊंगी दोस्तों रील्स बनाने, शॉर्ट्स बनाने के लिए, शॉर्ट वीडियो में बनाने के लिए जाऊंगी दोस्तों। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा अभी मतलब बाहर चला गया, उन लोग गए हैं बाहर, और आपको बोल रही हूँ मैं आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ दोस्तों। मैं फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग पर, मेरी फैमिली मेरा साथ देना, और जो
तो जो दोस्त मुझसे नए जुड़ रहे हो, अगर मेरी वीडियो देखने में अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आप आगे भी देखोगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मुझसे जुड़ जाना, मेरी फैमिली बनना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूँ तो आपको देखने को मिल जाए। तो ठीक है, आज मैं चलती हूँ दोस्तों। सभी अपना और अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों, और रील्स आएगी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी, हम मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग पे। बाय बाय।